तो सब सुन ली मैंने, पर कहूँ क्या जाके? क्या कहूँ? हाँ। ये बात तेरी सच्चे क्या कहूँ? हाँ। जैसे मैं तुझसे कहूँ हाँ। वैसे ही तू वहाँ जाके कह दे। अब मत फिकर करो, अब तो दो चार बात अपनी तरफ से लगा दूंगी। अच्छा और क्या? तो फिर बस बस हो गया काम। फिर तो एक एक बात मेरी ऐसे लिख ली है जैसे कागज में लिख ली है, अपने दिल पे लिख ली है। दिल पे लिख रही है, कोई तो कागज पे लिखे। अच्छा और क्या? और सुनिए राजकुमारी तने। अच्छा हाँ। और सुनिए राजकुमारी तने मौसी बुलबावे से, और घंटा हो गया एक पेट में दर्द बतावे से। बस ऐसा ही चाहिए मुझे। हाँ जल्दी आना बस। आइए कुमार साहब। कहाँ है? आज तो आपके साथ मैं भी सार खेलूंगा, बगीचे में आइए। और क्या है, रोज हारते हो। कोई बात नहीं है, तो ये तो हारना, बाजी से तो हारना जीतना है तो हो ही है। आज हारूंगा नहीं मैं। अच्छा। आज मेरी पौ आएगी, पौ है? बिल्कुल पौ आएगी। नहीं आएगी तो आई पौ। लीजिए कुमार साहब, डालिए इधर आइए आप। इनके तो काने तीन पड़ रहे हैं भैया। भाई श्रीधर आज ना जाने क्यों बाई आंख भी हमारी फड़क रही है। ये तो अशगुन है, बैठ जाओ। हैं? कोई खबर बुरी मिलेगी? काने तीन। काने तीन? हाँ बैठ। हाँ काने तीन आए हैं, बिल्कुल काने तीन आए। लाइए डालिए आप, मालूम पड़े। पाओ दुआ आया, दुआ दुआ दुआ। देखिए मैं लाऊंगा पाओ, पाओ लाऊंगा और कौड़ी बना के डालूंगा। पो डालूंगा, पो पो पो। ए ये आई पो, आइए पो पो आइए, पो आइए। कमाल है, कमाल कर दियो। बांदा को कच्चा खाल। आई कुमार साहब, क्या बात है? ये कह रही है कुमार साहब मैं आई। हाँ।
और बांदा को कच्चा खाई। फिर से सुनो, सुनो आवाज। कुमासा में आई बांदा को खाई। ये पीछे जो आया आया करती है ना, ऐसा मालूम पड़ता है किसी ने भींच रखी है इसको। ऐसे क्या? हाँ ऐसे है, ये हो रही है कि आए आए आए। ऐसा करो सीधा। हाँ जी, ये तो तुम जाओ। ये कोई घबराई हुई औरत है। फाटक पे जाओ तुम। फाटक नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल भूतली है। फाटक पे जाओ जी और वहाँ जाकर के देखो कौन है। कौन है? हाँ मैं नहीं जाऊंगा। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। जो क्या बात परेशान? भूतली है, भूतली चुड़ैल है वहाँ। अरे हनुमान चालीसा जब तुम करते ही हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जा के पीछते हैं लोग उधर। ये बोलता रहूं और क्या? और अगर भूतली नहीं हुई और कोई अगर हनुमान चालीसा से नहीं डरी तो डरेगी? डरेगी, हनुमान चालीसा तो आ ही नहीं सकती। अच्छा ठीक। और कोई जंगली जानवर हो जी उसके लिए ले जाओ ये तलवार। ठीक है, जाऊं? जाओ। और कोई मरीज हो जी है जी, कोई दुखिया आया हो? हाँ तो तू गेट पे अपना झारा फारा लगा। हाँ बिल्कुल, दुखिया आई है, शनिवार है यार। हाँ? शनिवार शुरू हो झपाड़ा दे के बिता करना। अच्छा मैं लगा दूं झाड़ा? अरे और क्या, मोर छले फिरा दूं, मोर छले। हाँ जो भी हो है, मोर छले फिरा दूंगा के ऊपर। ठीक है, हनुमान हनुमान जी के पास धरो रहे जो, वहाँ मोर छले फिरा दूंगा और फिर मैं देखूंगा। फिर आप देख लेना। जाओ जी, जाओ। ठीक है, कौन बोल रही है? इधर आजा, अब देखूंगा तुझे। है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक कुंवर साहब। ये हनुमान चालीसा चढ़ गई है तो। अरे इधर आ, अरे तो बड़ा मुलायम चाह रहा है भैया, इधर। अरे बांदा, ओ बांदा। हाँ एक बात सुनने मेरी बांदी। अरे तू आई है? मैं आई हूँ। हैं? मैं आई हूँ। पसीना कैसे आ रहे हैं तुझे? भाग के आई हूँ, भाग के रात हो रही है ज्यादा। पसीना आए तुझे तो क्या आई हूँ, कोई देख ना ले। अरे हाँ घबरा गई है? घबरा गई हूँ मैं। अरे सावन की सी घटा, ओ छोरी ये सावन की सी घटा, देख उधर और छटा सी छूटन लागी रे। अरे 20 वर्ष की नारी मर्द ने हो लूटन लागी। आहो खेल रहे हैं। हाँ। अब यहाँ क्या होगा हमारा तुम्हारा बताऊं? क्या होगा? चल सार बिछा ले गो तेरी मेरी।
तेरी है सारस की सी जोड़ी। तू सारस है मैं सारसा हूँ। अच्छा तेरी छोटी चोंच है मैं चोंचा हूँ। क्या छोटी चोंच है तेरी? अच्छा हाँ तू सारस। अच्छा मैं सारसा मैं चोंचा हूँ। चोंच आया चोंच मार जाऊ। अच्छा हाँ तो चल सार बिछा दे गोट तेरी मेरी है सारस की सी। अरे नग कर ले घूंघट की ओट। इधर आ जा इधर इधर आ। हाँ भाई देखो सुन लो अब घूंघट के अंदर क्या होगा भाई? क्या होगा? हाँ घूंघट में केजी। हाँ घूंघट में केजी ये अरे कर घूंघट की ओ क्या बात है देख कर घूंघट की ओट घूमड़ी सी फूटन लागी रे। ओ 20 बरस की नारी मरद ने हो लूटन लागी। तो ज्यादा मत नहाते पसीना आ गए तुझे। मेरा भी कलेजा धुक 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 कर रहा है तुम्हें देख। परेशान हो जाएगी तर आ जाओ। अब ये बता हाँ? तो मेरे साथ बम्बई चल। क्या करेंगे बम्बई जाके? जिया घबराए तेरे छोटे से गांव में। अच्छा बलम्बो बम्बई सैर करा दे और एक कार 50 में बैठा दे। बांदी जब से मैंने तुझे देखा है तेरी कसम अब तो तू मोटी हो गई है। हाँ, मुझे खाना पीना अच्छा मिल रहा है आजकल। आजकल तू अच्छा खा रही है? हाँ। मैंने तो ये सुना है दो रोटी खाती है। नहीं नहीं अच्छा हाँ। एक काम कर तू अब बिस्कुट खाया कर। बिस्कुट नहीं खाऊंगी। मैं भेज दूंगा बिस्कुट खाए कर 10 कुट खाए कर 50 कुट खाए कर कुट कुट। हाँ नहीं मैं तो मूंग की दाल का हलवा खा रही। वाह 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 बांदी अब तेरी कसम तू बम्बई चल मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा। और मैं हीरो बनूंगा। मैं बम्बई नहीं जाऊंगी। और देखो ये फिल्म बनाऊंगा मैं वहाँ चल के। अच्छा हाँ डायरेक्ट बन जाऊंगा डायरेक्टर। अच्छा मैं फिर गाना कौन सा गाऊंगा? कौन सा? तुम्हारे साथ में। हम तुम एक झोपड़ी में बंद हो और आग लग जा। क्या कर रही थी? क्या बात है बांदी? मैं कुमार साहब से कुछ कहने आई हूँ। क्या है बताओ? विनय करो कर जोड़ी कहे सुनो गरीब मोसी फिरे से जिलोटी। कहीं हार कहीं चीर कहीं बल का रही चोटी है। दर्द उधर में होए मर्ज सरकारी बड़ी खोटी है। बांदी
तुम जाओ बगीचे की सैर करो, जब तक हम विचार कर लेते हैं। कुमार साहब, ये बांदी बता रही है कि मौसी जी की तबीयत खराब है और तुम्हें वहां बुलाया है। भाई मेहताब, क्या विचार है आपका? भैया मेरे नहीं सुहाती था। बांदी क्या कह रही थी? एक तो बांदी सख्त दराज और मेरी मौसी को बतलाती है, और भैया दायम बाई आंख फड़कती कुशल न दिखलाती। अभी बताया कि तेरी बाई फड़के आंख असब फल असगुन दर्शाता है, पूरन मल मौसी के महल में सगा नजर आता। कैसी बात कर रहे हो? बहुत क्या जगह की बात है। मेरी मौसी है, मेरी माँ है, घर में क्या जगह है? मुझे संदेह यही है, श्री राजन मौजूद महल क्यों तुम्हें बुलाए नहीं है? बेशक वह मौजूद है, पितर मेरे गम को
चंगी धरता चा पर सार यार मेरे बड़ी मुसीबत चंगी सोच बता दू यार मेरी मौसी पावे से तंग झूठी बता रहे हो। मेरी मौसी बीमार है, तुमने ऐसा क्या देखा है वहाँ? मतलब ऐसा है कि तुम्हारी मौसी जो बीमार है, हाँ, वो इस वक्त थोड़ी हुई है। और? अरे वो तो जिस वक्त हम और आप दर्शन के लिए गए थे उसी समय से बीमार है। उसी समय से बीमार है? हाँ। आपने कैसे जाना? मतलब ऐसा है कि उसकी जो बीमारी है वो मुझे मालूम है। क्या बीमारी है तुम्हें मालूम है? सिद्धार्थ जी बता दो क्या बीमारी है। कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, और वो दवा भी फिर रूखड़ी यहाँ बगीचे में होगी, मैं ले जाऊंगा। अरे ये बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, कोई बुरा क्यों मान जाएंगे? नहीं नहीं, बुरे की क्या बात है। जब उसमें आपने कुछ देखा है तो बता दीजिए। तो बता दो, इसमें बताने नहीं, नहीं जो मैं कह रहा हूँ सत्य। अच्छा, जिस वक्त आप दर्शन करने गए उसी वक्त भाप गए? हाँ, उसी समय से बीमार है। ये बात आईसी वंडरफुल। भाई मैं तार इतना ध्यान रखना कि वो मौसी हमारी माँ है और हम अपनी माँ के बारे में कोई गलत शब्द नहीं सुनेंगे तुमसे। तेरी मौसी की कथा मेरी मौसी सब सुन राखिया, वो फूलन से सदा के वहां पे बैठिए करे तुम्हारी जो मौसी है ना वो चरित्रहीन है, चरित्र की अच्छी नहीं है।
ये शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लग रहे। पैसा हम तुम्हारी इज्जत करते कदर करते हैं तुम्हारी, तुम हमारे दोस्त हैं। ऐसी बात मत करो, चरित्र हीन कहाँ है वो, अभी क्या देखा है उसने? अरे सीधर, हाँ ये सारा खानदान खराब है। देखो श्रीधर क्या कह रहे हैं हमारी मौसी के बारे में, वो हमारी माँ है। माँ है इनकी, बताओ मौसी माँ। ये बांदी की तुम बार बार बात करते हो ना, ये बांदी ही तो हत्या की जड़ है। अच्छा ये बांदी कुछ कह रही है क्या? अरे बांदी और वो इसकी इनकी जो मौसी है, हाँ। वो गुरु है उसकी और वो उसकी चेली। तुमने क्या देखा? सब हत्या की जड़ है तुम्हारे लिए, तो क्या कर रहे हो? ठीक है बांदी को बुला, बांदी को बुला, बुला लो बुला लो। श्रीधर उसमें कसम रख दूंगा मैं। इधर आओ, हाँ इधर आओ, आओ इधर। कहिए क्या है? अब बीच में आ जाओ। मुझे क्या पता क्या है? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, श्रीधर तुम मुझे सही बतावेगी क्यों मैं इनके घर से? अरे ये किसी को सही नहीं बता सकती। अच्छा ये बात, हाँ अच्छा, हाँ क्या बात ये है? ये सही बताएगी किस तरह बताएगी मुझे मालूम, किस तरह बताएगी जी? अरे क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, तुम ये अच्छा। देखिए ये बांदी जो है मौसी के बहुत करीब रहने वाली है, मतलब जिसे खास कहते हैं। अगर किसी खास आदमी का खास आदमी अगर बीमार हो जाए जी, तो उसका चेहरा कैसा होना चाहिए जी? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जी कि आप इस बांदी के चेहरे को पढ़िए जी। क्या जीम जीम कर रहे हैं? सुनो अच्छा, इसकी आंखों में घुस करके देखिए कि इसकी आंखों में क्या है। इसकी आंखों में तो मैं ही देख रहा हूं। बांदी मतलब मौसी बीमार है? बीमार तो है मौसी। किस तरह कर रही है? जब ही तो मैं आई हूँ। हाँ वो ठीक, किस तरह से कर रही है वो? अरे उनके दर्द उठ रहा है मीठा मीठा, हल्का 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 दर्द। बात कर रहा हूँ मौसी। हाँ बिल्कुल यही बात। किस तरह कर रही हूँ बता तो दी मैं। अच्छा ठीक है छोड़िए, एक बात बताओ। हाँ तुम हमें ये विश्वास दिला सकती हो? हाँ किस तरह विश्वास दिलाओ मौसी बीमार है? कहिए किस तरह मान सकते हैं आप? तुम बताओ किस तरह दिलाओगे, हमें क्या मालूम, हमें विश्वास हो जाना चाहिए। अच्छा जो तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्यारी, हाँ उसी की कसम खा जाओ, ठीक है ना कुमार साहब? मुझे क्या मालूम? नहीं नहीं ठीक है, यही बात ठीक रहेगी। देखिए सबसे प्यारा तो मेरा बांदा ही है, मैं उसी से प्यार करती हूँ बहुत बहुत। तेरी औलाद है तुम्हें बहुत, मेरा कोई नहीं है बांदा के सिवा। मैं प्यारी सनम बहुत। अच्छा मैं तेरी झूठी कसम खा रही है? खा गई? हाँ नहीं झूठी नहीं खाई, मैं अपने बांदा की कसम खा रही हूँ, मेरा बांदा पट मर जाए अगर मैं झूठ। तेरा सत्यानाश जाए, हम तो चाह रहे हैं ठीक कि कम से कम बांदा 20 साल और जिए, 20-25 साल। नहीं नहीं वो ठीक कह रही है, चलिए बांदी ठीक कह रही है, दुनिया दुनिया चित्त मरती है, बांदा पट मर जाए, पट मरेगा। अच्छी ठीक हो गई। तानाई को छोड़कर बने मतीनादान, ये ठीक सामने से हुई मान अमान मान, माने न जो तुम्हेरा कहा, मुस्फिक बहुत पछताएगा, गिरता हंसेगा मान से, असगुन खाली जाएगा, मुझको कुशल भतीक है नहीं, तू अलवक्त खतरा खाएगा, मत जा महल मत जा महल मत जा महल, तू पछताएगा। माता बेहूदी बातें करे, बजा रहा है गा, हो जी का जंजाल जंजाल, जी का हो विनाशक, दोस्ती नादान की कम अक्ल ओछी नसल, तेन मेरी अकल हैरान की, सोबत शरीफों की से दानस, वर्षा कुछ दिखलाएगा लेकिन तुखम तासीर और जाती असर कहां जाएगा, बक बक न कर अब बैठ चुप, थाली बहस ठानू नहीं, जाऊंगा मैं मानू नहीं। चलिए बांदी
जाओ, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो तुम्हें पछताना होगा। ठीक है जाओ। और क्या भाई, तू कामयाब हो गई अपने काम। रानी साहब, क्या है बानी? लिवालाई लिवालाई, अब तो खुश हो जाओ। अब तो मैं खुश हो गई, अब क्या करूं? बानी तू एक काम कर। अब कौन सा? उसे अंदर करके। हाँ। और बाहर से ताला मार के। हाँ। और तू आराम कर। ऐसा ताला मारूंगी जो जिंदगी भर न खुले। ऐसा ही मार दे तू ताला। ठीक है मोल मार। हे भगवान, क्या वही भाई का मेरे सामने आ रहा है जो मेरे यार ने कहा था? चौकलना हो चारों तरफ, देख रहा कर गौर, आता है मुझको यहाँ नजर और ही तो। हे भगवान, मेरे यार ने कहा था कि मत जा, लगता है मुझे पछताना ही पड़ेगा। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? मौसी के चेहरे पे ऐसी खुशी, इतनी मुस्कान, जैसे अंधे को नैन, निर्धन को माया और कोढ़ी को काया मिल गई हो। मौसी के चेहरे पे इतनी खुशी, यह कुछ और ही बवाल है। ठीक है, मैं मौसी जी को प्रणाम करूंगा, देखूंगा क्या बीमारी है, फिर भी आया हूं तो प्रणाम करूंगा। मौसी जी प्रणाम। मौसी जी बैठिए, आप बहुत बीमार हैं, बैठिए। आप बैठिए। आप बैठिए मतलब? आपके लिए ये सेज मैंने चुन चुन के लगाया है। मेरे लिए सेज? हाँ। मगर बांदी ने मुझसे कहा था कि बहुत बीमार है, इसलिए आप बैठो। देखिए, बीमार तो हम थे मगर आधी बीमारी तो हमारी आपको देख कर ठीक हो गई। हाँ, सही बात है, आधी आप सही करेंगे हमारी। माँ की बीमारी, मौसी माँ में क्या फर्क है? माँ की बीमारी अपने बेटे को देख कर ठीक हो जाती है। क्या आप ही सही हो जाती है? माँ, मेरी माँ नहीं हो क्या? नहीं। क्या आप कहना क्या चाहती हो मुझे, कहो साफ साफ शब्दों में।
मौसी माँ के समान होती है। देखिए, मगर आपको मेरे साथ ऐसा धोखा करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों ये धोखा किया और करी क्या मेरी अजमायश है? क्यों ये धोखा किया और करी क्या मेरी अजमायश है? और मौसी में हूँ फरमा बरदार, कहो मौसी क्या फरमाश। और तेरी बबादी गंदी नाच तगा की चल चल दी चाल का, उड़ा दू सल छिनाल का, करा दी बहुत फिकार है यहाँ सब तरे अमन न बीमारी का कोई जिक्र है। कहा तुम्हारी बांदी? ये कटारी तलवार बांदी के मारोगे? हाँ, इसमें बांदी की कोई गलती नहीं। उसने मुझसे झूठ बोला था मौसी। जैसे मैंने उससे कहा बेचारी से, ऐसे तुमसे कह नहीं, उसकी झूठ। ये कटारी मुझ में मारो। आप क्या कह रही हो? मेरे राजा मैं चिरैया। हे भगवान से डरो मौसी, ऐसा ना क्यों कहो? मेरे राजा कहो तो मेरे पिता से कहो। अपना पिता राजा से? मेरे पिता हैं आपके। तुम्हारे पिताजी और राजा कहने लाग रहे नहीं है। क्या कमी है? तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए। जिस समय तुमने उनसे शादी की थी मेरे पिता से, उस समय नहीं देखा था? हमने कोई उस समय जान थे मेरे पिता? उस समय भी तो बूढ़े थे। इतने नाराज होने की क्या बात है? वहाँ जवान थे और यहाँ बुड्ढे हो गया है कि? इसी रहा हो करी चमनी और जाते हो दिन राती, और यहाँ नाते हो कभी क्यों साहब क्या? कुछ फरमाना तुम्हें फरमाओ फरमान, ये नहीं बैठने की मुझे फुर्सत अम्मा जान। एक मिनट की फुर्सत नहीं, मैं जाकर करूं आराम है, क्यों कर बुलाया क्या सबब बतलाइए क्या काम है? हाजिर हूँ अब इरशाद करना, हो सो इस दम कीजियो, कहना है सो कह लीजियो, वरना इजाजत दीजियो। मैं जाऊं अभी आऊं सुबह, आपकी खिदमत बजा लाऊं सभी, माता से ज्यादा मामसी नहीं उजर कर सकता कभी। माँ, जो तुम्हें कुछ फरमाना है, कुछ मुझसे मंगाना है तो मंगा लो, कुछ फरमाना। मंगाना आपसे कुछ नहीं, आपको इतनी आप... तकलीफ नहीं देंगे। हमारी एक विनती सुन लो। क्या विनती? विनती नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मुझसे आज्ञा करो, आदेश करो। मैंने बहुत बहुत मुसीबतें उठा रही हूँ मैं उस दिन से, जिस दिन से तुम्हारी शकल देखी है मैंने। अच्छा, आज मेरी वो इरादे पूरे हुए तो वो मेरे पूरा कर दो तुम। क्या इरादे हैं आपके मौसी? ओरे तू बन मेरो भरतारी। सीताराम। सीताराम? ये सीताराम किसका नाम है?
हम तो जानते नहीं। सीताराम को नहीं जानती? नहीं। हाँ वैसे भी तुम्हारे अंदर अब सीताराम कहाँ है? तुम्हारे अंदर सीताराम नहीं है। ओ अरे तू बन मेरो भरतारे, तू मौज उड़ाया चरियो, तू मौज उड़ाया। माँ तुम तो इसमें अंधी हो रही हो। माँ माँ हमसे मत कहो। अरे तू बेटे को बालम बोले ओ और तू अपने इस पूरण को बालम बोले, अपने बेटे को बालम बोले और तेरी मती स्वर ने फेरी रे। हर और किसी का दोष नहीं माँ, अकल बिगड़ गई थे हो रही है। तूने धोखे से माँ धोखे से बुलवाया मुझको, तूने धोखे से बुलवाया।
क्या खता थी, ये तो होना ही था क्या। और हुई कहर की डाल नहीं, माँ हुई कहर की डाल नहीं, मेरी मती सर ने फेरी। और किसी का दोष नहीं माँ, अकल बिगड़ गई थे। मान जा मेरे राजा, मान जा मेरी चिरैया। नहीं मानोगे? नहीं, मेरे पिताजी को बुलवा लो आप तो अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं मानोगे? नहीं मान जा, मैं तुम्हारी पैर मौसी जी, मैं आपके पैर छूं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। क्यों ऐसा कर रही हो आप? पूरन मल ने लूट मजा जिंदगानी का, सवार बात मेरी बानी का, पूरन मल ने लूट मजा। पानी का और दोपहर सा सवार मात मेरी का।
तुम्हारा सम्मान काबू में नहीं है। कुछ मैं तुम्हें बताऊं, जो कुछ पतिव्रत धर्म का। अरे क्या सुना रहे हो पहले तो ये बताओ, क्या बता रहे हो? हमारे वेदों की जो वाणी है, हमारे वेदों में जो लिखा है उनको सुना रहा हूँ। अच्छा, वेद की बात सुना रहे हैं आप? जैसे काम आप कर रही हैं उनका बखान सुना रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई हम गलत काम कर रहे हैं? कई प्रकार की स्त्रियां हैं। अच्छा। जो कुछ पतिव्रत धर्म का और है वेदों में बयान, तुझको समझाऊं वही सुन माता धर ध्यान। सुन ले पतिव्रता और क्या सुमार होती है, और उत्तम मध्यम लघु अधम चार होती। चार तरह की पतिव्रता हमारे संसार में है। पहली पतिव्रता कौन सी है? कौन सी है? अरे उत्तम पतिव्रता मैं उसको वेद कहे, और जो कभी ख्वाब में भी पर पुरुष नहीं देखे। उत्तम पतिव्रता वही होती है जो सपने में भी किसी पराए पुरुष को नहीं देखती है। मध्यम पतिव्रता कौन सी है? मैं कौन सी? सुनो, और मध्यम पतिव्रता उसको वेद कहे, और पर पुरुष को पिता सुत हर भ्रात समानो चाहे। पतिव्रता यानी दूसरी जो पतिव्रता मैंने बताई है, पराए पुरुष को देखती है, मगर किस तरह देखती है? किस तरह देखती है? अपने से बड़ा, जैसे तुमसे बड़ा हो कोई तो उसको किस रूप में देखती है? पिता के रूप में। अपने से बराबरी का होगा उसको किस रूप में देखेगी? भाई के रूप में। और अपने से छोटा होगा, छोटे को देखती है, मगर किस निगाह से देखती है? बेटे की निगाह से। और सुनो मां, मेरी मात तके लघु अब इस गैर इंसान, हर मगर खानदान के और लिहाज से बचा रखे ईमान। माते सुनो, जो हर जगह तकती फिरे, ये तुम्हारे लायक है। जो हर जगह तकती फिरे, हर एक नुकीला जान है, हर वक्त हर दम ही जिसे घेरे रहे शैतान है। मौका न पावे गैर संग, हर जो ले सके रुतदान है, भगवान उसका किसी विद साबित रखे ईमान है। और सुनो मां, जो ईमान साबित नहीं रहता जिनका, और जा जरा देर सुख काज धर्म खोती है। अपना पति तज हर वो तो गैर संग सोती है। अपने पति को तज देती है, गैर के संग सोती है, जैसे तुम कर रही हो आज। और वो निश्चय
अपना पति तजकर गैर के संग जो सोती है उसके साथ क्या होता है? क्या होता है? और वो निश्चय विधवा बालापन में होती है, और बस इसी पाप से वो हर जन्म जन्म रोती है। जन्म जन्म मेरी मात राण हो जाए करें बदफेल, अरे वो ऊपर बारा ठाकुर जी है भगवान है, और भगवान मौत उसे और उसे देते घोर नरक में ठे। जय गुरु गोरखनाथ की। भाई श्रीधर, ये आप तो रामायण पढ़ रहे हैं आप? हाँ भाई श्रीधर, रामायण पढ़ रहे। अच्छा, रामायण कहाँ चल रही है आपकी? रामायण मतलब कौन सा कांड चल रहा है? लंका कांड चल रहा है। आप बगीचे में ही रहते हो वैसे? हाँ, क्यों? क्या नहीं मतलब? मैं पूछ रहा हूँ, महलों की तरफ गए कभी? बगीचे में रहते हो? हाँ बगीचे में ही। जी हाँ बगीचे में, और कहाँ जाऊँ? ठीक है आइए, अब पता चल जाएगा जो भी बात। आओ महाराज। सीधे साधे तू बना असल पौनिया नाग, लगा दिया बद जात तेरे मेरी साथ पुष्ट को दाग, ये दाग असमत का हरामी ता हसर छूटे नहीं, जैसा गजब तूने किया ऐसा गजब हुआ नहीं, बदकार बद आमाल मस्ती इस कदर छाई तुझे, बद फैल करने को ही क्या मौसी ही बस पाई तुझे। दादाजी मसूर जाने सकल जा, मौसी को देखे बद नजर वो बद बड़ा बदकार है, उसके प्रभु के यहाँ दो जग रहे तैयार है, मारोगे बे इंसाफ कर तो भी न कुछ इनकार है, या भी तुम्हें अख्तियार जो भी तुम्हें अख्तियार। पाजी क्या कायम करूं मैं तुझ पे तकसीर, ये खुद सबूत साबित करे तो तेरा तेरी नजीर, मौजूद जबकि नजीर है क्या जरूरत इंसाफ की, सब कैफियत खुल कर गई तुझ जैसे असराफ की, तू बच नहीं सकता है कल सोचा बिचारी देख ले, पाजी तेरी हाजिर है ये फेंका कटारी देख ले। दादाजी
गुलशन बांदी भेज मोए और लियो महल बुलबा मौसी ने झूठा दिया ये इल्जाम लगा इल्जाम झूठा हो या सच ये क्या गजब की बात है मेरे माता पिता दुश्मन बने अब पेश किसकी जाते गोरख गुरु साक्षी मेरे मौसी धर्म की बात है मत फैल की तो क्या चले छुआ न मैंने गाते अब मैंने जानी अब मैंने जानी मेरे मात और शीस पर गाजी मौसी की राजी करियो आप पिता देन को जर और करे उस बेटे को धिक्का दादाजी मौसी ने इल्जाम लगा मेरी मौसी ने इल्जाम लगा कर दिया नाम बदनाम मेरा और किसी को के बेरा से मैं जानू यारा मेरा ओ मैं जानू यारा दादाजी मैंने मौसी को बहुत समझा मैंने मौसी को बहुत समझा अर्जुन ने समझा गीता को मैंने मौसी को वो समझा हनुमत ने समझा सीता को रे मैं जाने ता मौसी मेरी मैं जाने ता मौसी मेरी मात भवानी होगी मन के बेरा तब मौसी प्रेम दीवानी हो जाने था मौसी मेरी ज्ञानी ध्यानी होगी मन के पेरा तब मौसी मानस खानी होगी मेरा जी चाहे सो सजा बोलिए ना टालन का काम मेरा जी चाहे सो सजा बोलिए ना टालन का काम मेरा और किसी ने के बेरा से मैं जानू यार इसको छोटी रानी के महलों के सामने इसको फांसी दिला दी जाए।
और जिस किसी से मिलना चाहे इसको मिला दो। गया। ले जाओ उसे। हेलो जल्लाद, मैं अपनी माँ अम्मा दे से मिलना चाहता हूँ, बड़ी माँ से। ठीक है रानी अम्मा दे। बेटा बेटा, ये तुम्हारी हालत किसने करवाई? माँ ये सब मौसी जी का प्यार है। मौसी का प्यार? हाँ, कैसा मौसी का प्यार है? चलो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। माँ वो किसी की नहीं मानेगी। नहीं नहीं चलो बेटा। ठीक है आप नहीं मानती तो चलो। सुते इकलौता पति मेरा और न है दो चार, बिना खताता पुत्र को अगात दुख मती दिखावो मोबिला नारी को। बैठो। पुत्र शोक सम शोक जो महतारी को, हाँ हाँ खाऊ मती निपुती करो प्राण प्यारी।
जान, अर पूरन मल के दर्श मिले, अर बचे ना मेरे प्राण मती मरूंगा। ए बहना निकले ना कुछ इन बातन में सार, और तेरे मेरे बीच में हाय अकेली दार, मती मरवाली दार। तो तेरी इच्छा ये है कि तेरे बेटे को मैं खसम बना लूं? लाज तनक तो को नहीं, और बोले खोटे बहन मेरे पूरन मल से जती को, और लगी दोष तू देन मती मरवावी। पूत बिरानी को तरसी और तनक नाए तो, और सुत जन में जब कौं खिसे और तब तो मालूम हो। क्या ये रोना धोना हो रहा है, जल्ला लगा दो फांसी और चलो। तो तुम्हें तो मैं अंदर बताऊंगी, तुम्हें तो मैं अंदर बताऊंगी, तुम्हें चलो चलो चलो। ए माता मत रुधन कर, धर अपने मन धीर, होनहार होगा वही जो लिखा मेरी तकदीर, जो कुछ लिखा तकदीर में इस तन की वो गति होगी। कर सबर कर घर बैठ चुप, कहां तक उम्र भर रोएगी। सुन सुन कर तेरी बात होए दुख दूना, कहां चले कुंवर करे महल हमारा। किस तरह धीर, अरे हाथ से चला लगी ये माता कर मन में सबर, और कजा सिर झूली, और मौसी ने किया वो प्यार दिवाई। मेरी मात और उम्र भर का तक रोवेगी, हे बुरी है पुत्र की चोट, और कभी सुख नींद न सोवेगी। माँ देख सगर सगर की नार ने धीरज लीनो धार, ये जिनके बलशाली कुमर मरे 60,000, और हित गेंद के श्री कृष्ण काली देह में कूदे जाय कर,
जीवत रही माता जसोदा ना मरी विष खाए कर माँ मरते के संग कोई ना मरे अरे तू रही क्यों रुदन मचाए कर या जन्म न पूरन मलत ने ली जो ये मन समझाए कर माँ अपने मन को समझा ली जाओ कि तूने कोई पूरन मल नहीं जन्मा। हे भगवान ये क्या किया भगवान बना के क्यों बिगाड़ा रे हो बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले सीताराम हो प्राणी हर भजले सीताराम और काम तेरे कोई ना आवेगो कोई ना आवेगो काम तेरे कोई ना आवेगो प्राणी भजले सीताराम काम कोई देखिए मतलब को संसार पिता माता भ्राता सुतनार भजन कर हरि को तू बारंबार और तन ते सुवा उड़ जाए ये सांग तेरे और कोई न जावे गो प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई न मालूम है संसार में आदमी क्यों आया और क्या करना चाहिए बताइए गुरुजी। तेरा गुमानी जग में आज हो तेरा गुमानी जग में तो जन्म ना मिले माया संग ना माया
सोलह तेरी गई है खेल में, तीस गई तेरी मध की जेल में, दस छह सोलह तेरी गई है खेल में। जंगल आ गया ये गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है ये सियालकोट राजधानी है, यहाँ हमारा गुरु भाई रहता है। पहाड़ी इलाका है, सब पेड़ खड़े हुए हैं, फूल खड़े हुए हैं, यहाँ हमारा शिष्य रहता है, है? पूरनमल भगत। हाँ। चलो आज यहीं विश्राम करेंगे। अच्छा ऐसा करो, हमारे लिए क्या आज्ञा गुरुदेव? भिक्षा कर लाओ, जो आज्ञा गुरुजी। एक एक रोटी सब जगह से मांगना, जो आज्ञा गुरुजी। हाँ, एक एक रोटी लाना हर घर से। हाँ जाओ नारायण। भिक्षाम दे माई। यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भगत? यहाँ बड़े महान पुरुष की कमी हो गई है, सब शहर शोक मना रहा है। तो इसीलिए आटे में कमी हो गई है। गुरुजी दंडोत। क्या हुआ, खुश रहो। गुरुजी यहाँ किसी महान पुरुष की गमी हो गई है, इसलिए भिक्षा नहीं मिली। सारे शहर में शोक मनाया जा रहा है। शोक मनाया जा रहा है, ये तो बहुत बुरा हुआ। जैसी प्रभु की इच्छा, कोई आता है कोई जाता है, ये तो संसार का आगमन है। ये गुरुजी जो आया उसको जाना तो ये है। उसका बाग है। हाँ, जिस दिन ये रचा बगीचा, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा, हर वक्त जात है सीचा, ये उसकी माया है प्रभु की। अच्छा ऐसा करो चेला, ये सामने कुआ दिख रहा है, वो देखो, वो मढ़ी। अच्छा वहाँ। हाँ, वो मढ़ी दिख रही है जंगल में, दिख रही है गुरुजी। वहाँ पानी का साधन होगा, आज राख घोल कर ही पी लेंगे हम लोग। क्या पानी हम पी के रहेंगे गुरुजी आज? नहीं, आज ऐसा ही है, वो राख घोल लेंगे उसमें, पानी में पानी लाओ कुएं से, धुनी की जो राख है उसे घोल दूंगा और पियेंगे, जब कहेंगे ये क्या है। जाओ बच्चा जाओ, जो आ गया गुरुजी जाओ। क्या बात हो गई गुरुजी? गजब हो गया। कर नजर से जरा और गौर देखो गुरु, क्या बात हुई? ये पड़ा किस कलासा मिसाले कवर, और किसने मारा है गुंचे, और गुंचे दहन के तई हासितम हासितम हो के पत्थर बिगड़। छाती फटे है इसे देख कर, जिसके पैदाश कम से और ये हुआ खास कर, वह बिचारी करे कैसे मैया सवर। जग में आवागमन जो हुआ पैदा निश्चय, बेटा वो ना पैद है ना बचा कोई गोरा वो काला वरन। अरे हो बेरागी ना दुनिया के फसराग में, रहे अलग मोह माया से मेरे सुबन,
ऐसे झगड़ों से चला हमें काम क्या, ऐसे झगड़ों से चला हमें काम क्या, चलो चलने में अपनी लगा दो। गुरु भाई की सूरत और ये जच्चे हूँ बहू, और जिससे थर्रा कलेजा हमारा गया, ए गुरु जी मुझे तो और ये जच्चे है यही, मारा पूरन ये चेला तुम्हारा। ये क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है आपका शिष्य हमारा गुरु भाई अम्मा दे का लाल है। आप इसे बेटा होगा बेटा होगा बखूबी लिया जान कर, है ये अम्मा दे रानी का प्यारा अफसर, उसका बिगड़ा बुढ़ापा बेटा सुधारू अभी, लेन पूती से फिर दूं सपूती। लेके झोड़ी से रटके अलख राम को, अलख अलख अलख, लेके झोड़ी से रटके और अलख राम को, मारी चुटकी भभूती गुरु को सुमर, उठ खड़ा हो कुमर राम का नाम ले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उठ खड़ा हो कुमार राम का नाम ले, जा तू भर को तेरी काया मर, उठ खड़ा हो कुमार।